को एक बार पढ़ के फिर इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ब्रदर का मतलब होता है कुमार, अंत यानी किसी भी चीज की समाप्ति होती है, उसको आप अंत बोल सकते हैं। पात यानी पत्ते, जो पेड़ के पत्ते होते हैं वो। घात यानी शरीर। निद्रित यानी नींद। प्रत्यक्ष यानी प्रातःकाल। मनोहर यानी बहुत सुंदर। तंत्रालस यानी आलस्य और नींद। सहर्ष प्रसन्नता के साथ। और द्वार यानी दरवाजा, जो अपना घर का दरवाजा मतलब सीमा। अनंत जिसका अंत न हो, जो कभी जिसका कभी भी अंत नहीं होता है, जैसे कि ईश्वर। इस तरह से हमारे चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। ध्वनि अभिन्न होगा मेरा अंत, अभी भी अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृद वसंत। अभिन्न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये बात डालिया कलिया कोमल का, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर। जगह एक प्रत्युष मनोहर, अभिन्न होगा मेरा अंत, अभिन्न होगा मेरा अंत। अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृद वसंत। मृदु का मतलब होता है कोमल, यानी कवि के कहना है कि जो कवि की, कुछ लोग कवि की जो आलोचना करते थे उनके लिए कवि उनको उत्तर देते हुए कहता है कि जो लोग ऐसा समझते हैं कवि का अंत होने वाला है, उसका जो उज्जवल जो भविष्य था वो अंधकार में जाने वाला है, ऐसा जो सोचते थे उनको वो संकेत करते हुए कवि कह रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा। यह वसंत से संकलित सूर्यकांत त्रिपाठी बिरला द्वारा रचित ध्वनि नामक कविता है और इसमें पंक्तियों के माध्यम से कवि अपने काव्य जीवन का अंत समझने वाले आलोचकों को कड़ा जवाब देते हुए देश की युवा पीढ़ी को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें कवि कह रहा है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। कवि आत्मविश्वास के साथ अपने आलोचकों को, जो ये मानते हैं कि कवि अब प्रभावशाली और पहले जैसे तेजस्वी नहीं रहे हैं और उनका जीवन अब समाप्त होने वाला है, उनको वह उत्तर देते हुए कहते हैं कि उनके जीवन रूपी उपवन में अभी भावनाओं और कल्पनाओं रूपी वसंत का आगमन हुआ है। जिस प्रकार वसंत के आगमन से पूरी पृथ्वी में चारों तरफ हरियाली छा जाती है और वातावरण बिल्कुल संगीतमय होता है, उसी तरह कवि के जीवन में भी एक उज्जवल भविष्य की और वो बढ़ता जा रहा है और कह रहा है कि उसके भी चारों, उसके चारों ओर मनमोहक और परिवर्तित प्रकृति दिखाई दे रही है उसको, और ठीक उसी प्रकार उसके मन में भी आशा और उमंग का संचार हुआ है। हरे हरे ये पास डालिया कलिया कोमल का, इसमें कवि कह रहे हैं कि कवि के मन में सारे ठीक उसी प्रकार उसके मन में भी आशा और उमंग का संचार हुआ जो उनकी कविताओं के माध्यम से प्रकट होता है, जिसका अंत कभी भी संभव नहीं है, जो कल्पनाओं का कभी भी अंत नहीं हो सकता है। साथ ही कवि आलस्य और निंद्रा में खोए हुए जो लोग हमेशा आलसी रहते हैं और काम से जी जुड़ाते हैं, उनको कवि कह रहा है कि जो लोग हमेशा निंद्रा में खोए रहते हैं और आलस्य में रहते हैं और अपने पद से वो लोग भटक जाते हैं, किसी को परिश्रम नहीं करना चाहते, वो आराम नहीं करना चाहते, इस वजह से वो अपना पथ पर चल नहीं पाते, वो कठिन परिश्रम करके वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो ऐसे लोगों को संबोधित करते हुए कवि कह रहा है कि जैसे वसंत में प्रत्येक पत्ता हरा डालिया कोमल और कलिया अध खिली होती है, वसंत ऋतु जब आती है तब क्या होता है कि जो कलिया उसकी पूरी तरह से नहीं खिलती, वो अध खिली होती है और फ्रूट्स वगैरह फल वगैरह वो भी होते तो अध पके होते, तो उन कलियों और सपनों जैसे मधुर और कोमल हाथों से जगा कर वह सवेरे का आरंभ करता है। उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता के नए नए ओजस्वी विषयों के माध्यम से युवाओं में उत्साह का संचार करके उन्हें आलस्य से जगा कर उन सही मार्ग पर लाकर एक नई आशा से परिपूर्ण भविष्य का निर्माण करेगा जिससे वे सुपथ पर अग्रसर हो सके। वह कहना चाहता है कि अगर जो पद से भटके हुए व्यक्ति है वो मेहनत करे और अपने पद पर सही राह से चलते रहे तो वो एक दिन जरूर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार कवि कहता है कि जैसे वसंत मंत्र कलियों ने आलस्य खींच कर उन्हें खिला देता है,
वसंत ऋतु होता है उसमें से कलियां सब खिल जाती है, उसमें अपना अमृत रस डालकर वह नव जीवन का संचार करता है। उसी प्रकार यह भी युवाओं के मन में आदर्श की भावना को दूर करके उनके जीवन को आशा और उत्साह से भर देगा। वह अपनी कविताओं के द्वारा अनंत परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग दिखाएगा। परमात्मा मीन्स ईश्वर, जिसका कभी अंत नहीं होता है। ईश्वर हमेशा अपने सब लोगों के मन में रहते और उनको कभी अपन ऐसे नहीं कह सकते कि ईश्वर अंतरांत हो चुका है। तो जिस तरह से वो हर आत्मा में जिंदा है, उसी तरह से कभी कहता है कि हमें भी अपने पूरे विश्वास के साथ अभी बहुत समय तक अपनी रचनाओं में समाज का मार्गदर्शन करता रहेगा। कभी कह रहा है कि हमें भी अपने विश्वास से आगे बढ़ते रहना चाहिए, हमें भी अपने जीवन का कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा अंत हो गया है और हम कुछ नहीं कर सकते। ये सब चीजें मन में नहीं लानी चाहिए, हमेशा हमें सोचना चाहिए कि हम दृढ़ संकल्प लेके अपने मार्ग पर हमेशा निरंतर चलते रहे और जो लोग मार्ग से भटके हुए हैं उनको भी अपन मार्ग पर लाने का प्रयास करें और उनको भी नई नई आशाओं के किरण उनके मन में हमेशा जलाए रखें और कभी भी किसी चीज से निराश होने की अपने को आवश्यकता नहीं है। इस तरह से कवि इस कविता के माध्यम से जो युवा पीढ़ी है उसको संबोधित करते हुए कह रहा है कि अपने आलस्य और न्यूनता को त्याग के हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने जीवन में हमेशा अच्छी अच्छी कल्पनाओं का संचार करते रहना चाहिए और अपने जीवन में एक हमेशा आशा की उम्मीद हमेशा अपने को रखनी चाहिए। इस तरह से बच्चों आप भी अपने जीवन में किसी भी चीज से निराश नहीं होना है, अपने को अपनी मेहनत से लगन से अपने को पढ़ाई भी करते रहना है और आगे भी बढ़ना है और आसपास के माहौल को भी अपने को एक अच्छा संगीतमय और शांत माहौल बना के रखना है और किसी से आपस में लड़े झगड़े भी नहीं करने हैं और कोई निराश हो रहा है तो उसको अपने को उसको उसे मन